नमस्कार। न जाने कितनी ऐतिहासिक घटनाओं के साक्षी इस लाल किले की बुर्जियों से अभी अभी बिगुल वादकों ने अभिवादन किया है स्वतंत्रता दिवस की इस वर्षगांठ पर राष्ट्र का। उसके साथ ही दिल्ली दरवाजे की ओर से सम्मान गारद के जवानों ने प्रवेश किया है बैंड के इस मधुर ध्वनि के साथ, और मैं जसदेव सिंह दूरदर्शन की ओर से आप सब दर्शकों का, देशवासियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज दूरदर्शन के लिए एक विशेष गर्व की बात है, कई कारण हैं उसके। सबसे पहले तो आज पहली बार इनसेट के माध्यम से रंगीन प्रसारण आप देख रहे हैं, जिन जिन के पास भी रंगीन सेट है और कुछ अन्य केंद्रों में भी दिल्ली के अलावा। इसके अतिरिक्त आज दूरदर्शन परिवार में एक और नया सदस्य शामिल हुआ है, वो है हमारा नागपुर केंद्र, जहां से इस समारोह के साथ ही प्रसारण कार्यक्रम आरंभ हो गए हैं। इनके अलावा हमारे असंख्य देशवासी आज के इस मुख्य समारोह को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले से सीधे देख रहे हैं, मद्रास, बेंगलोर, कलकत्ता, इनके अलावा बंबई, पुणे और अन्य केंद्र जहां से के इनसेट के माध्यम से ये प्रसारण रिले किया जा रहा है, उनमें है रायपुर, जयपुर, मुजफ्फरपुर, संबलपुर आदि अनेक, श्रीनगर, जालंधर, लखनऊ, अमृतसर केंद्र रिले कर रहे हैं। तो यहां इस समय अपार जनसमूह स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित इस समारोह में शामिल होने के लिए उपस्थित हैं। सुबह से ही लोगों का आना निरंतर जारी है और लोग प्रतीक्षा में हैं कि कब हमारे राष्ट्र का झंडा प्रधानमंत्री फहराएं और वो उसके प्रति नतमस्तक हो सलामी दें। ये है ऐतिहासिक जामा मस्जिद। शाहजहां ने इसका निर्माण किया था, जो कि 1650 में पूरा हुआ। इसके विशाल मीनारे, जहां से जब अजान की आवाज गूंजती है तो सारा वातावरण, सारा माहौल एक रूहानियत के आलम में दिखाई देता है। और यह है लाल किले के ठीक सामने जैन मंदिर। वैसे इसे लाल मंदिर भी कहते हैं, लेकिन इसका असली नाम था उर्दू मंदिर, और अभी तक भी कहा जाता है कि बड़ी बूढ़ियां इसे उर्दू मंदिर कहते हैं, क्योंकि यहां लश्कर था, कैंप था बादशाह का, और वहां में से एक सैनिक जैन सिपाही ने शाहनशाह की इजाजत से यहां पर भगवान पारसनाथ की मूर्ति की स्थापना की थी। इसके ठीक पीछे है गौरी शंकर का मंदिर, शिवालय जिसे कहा जाता था कभी आपा गंगाधर का शिवालय, क्योंकि उस समय मुगल बादशाह शाह आलम सानी के जमाने में सिंधिया नरेश के एक सैनिक ने इसका निर्माण किया। और यह है आर्य समाज दीवान हॉल। और लाल किले के ठीक नीचे खाई के उस पार ये स्थान जहां दर्शक बैठे हैं कभी उर्दू बाजार कहलाता था। उर्दू का अर्थ है लश्कर या शिविर, जहां बादशाह के अंगरक्षकों और अन्य सैनिकों का शिविर होता था। सम्मान गारद के ठीक पीछे कोई 1500 बच्चे हैं स्कूलों के दिल्ली के, जिनमें 500 लड़कियां और कुछ नेत्रहीन बच्चे भी हैं। ये लाल किला कोई 10 साल लगे थे इसे बनाने में। 1648 में इसका निर्माण पूरा हुआ, शाहजहां ने इसका निर्माण कराया। ये खामोश पत्थर, ये छतरियां, न जाने इतिहास की कितनी ही घटनाओं की साक्षी हैं। इस किले ने भारतीय इतिहास को अनेक बार करवटें लेते देखा है। और ये गुरुद्वारा सीसगंज और वो फतेहपुरी की मस्जिद, ये सब धार्मिक स्थान भारत की धर्म निरपेक्ष नीति का जीता जागता सबूत हैं। किसी शायर ने शायद इसी को देखकर कहा था, मैंने एक काबा बनाया है अजब अंदाज का, मैंने एक काबा बनाया है अजब अंदाज का, जिसमें नाकूस व अजा की एक ही आवाज है। ऐसा काबा, ऐसा पवित्र तीर्थ स्थान जहां शंख और अजान की ध्वनि एक हो जाती हैं, और भारत जिस शांति और धर्म निरपेक्षता का लंबरदार है। चांदनी चौक सामने, और ये हैं सम्मान गार्ड के जवान, संख्या में 200, 50-50 थल सेना, वायुसेना, नौसेना, और उनके अलावा 50 हैं दिल्ली आर्म पुलिस के। और ठीक पीछे नेशनल कैडेट कोर के लड़के और लड़कियां हैं, सीनियर और जूनियर डिवीजन से, जो कि बैठे हुए हैं।
कोई 1500 बच्चे हैं ये नेशनल कैडेट खोर के, लड़के और लड़कियां। करीब 1525 बच्चे हैं दिल्ली के विभिन्न स्कूलों से, इनमें 500 लड़कियां और कोई 25 नेत्रहीन बालक हैं। यह है गणमान्य आमंत्रित अतिथि। दिल्ली में आज खासी उमस भरी गर्मी है। राजनयिक प्रतिनिधि राजधानी में अन्य देशों के, और लाहौरी गेट, लाहौरी दरवाजा, लाल किले के दो मुख्य दरवाजे हैं, यह है लाहौरी और एक बाईं ओर दिल्ली दरवाजा कहलाता है। ये वो इमारत है जिसने अतीत की कितनी ही यादें अपने हृदय में संजो रखी हैं। लाल किले के इन खामोश पत्थरों ने न जाने कितनी बार इतिहास को करवट लेते देखा है। लाल किला जो कि कभी एक तंत्रीय शासन का केंद्र था, अब भारतीय लोकतंत्र का प्रतीक बन गया है। 1857 में देशभक्ति और आजादी के दीवानों का यह केंद्र था, उसके बाद आजाद हिंद फौज के सेनानियों का मुकदमा यहां चला, और सबसे बड़ी बात 15 अगस्त 1947 को आजाद भारत का झंडा पहली बार इस इमारत पर फहराया गया, जो कि नेताजी सुभाष बोस का सपना था कि दिल्ली चलो लाल किले पर झंडा फहराना है। और अब लाहौरी दरवाजे से प्रवेश कर रही हैं प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की गाड़ी। और लाहौरी दरवाजे से बाहर का दृश्य, प्रधानमंत्री की अगुवानी की है रक्षा मंत्री श्री आर वेंकटरमन ने, और अब जबकि वो जीप में सवार हो रही हैं, उनके साथ दिल्ली क्षेत्र के जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल ओएस भंडारी खड़े हैं पीछे। जीप के बाईं ओर लाल किले की खाई है, ये जो आपको नजर आ रही है, कभी ये प्रहरी का कार्य करती थी किले की सुरक्षा के लिए। कोई 75 फीट चौड़ी और 30 फीट गहरी खाई। सम्मान गार्ड के कमांडर हैं नौसेना के कमांडर S.N. चोपड़ा। अंतर सेना पुलिस सम्मान गार्ड जनरल सलोट सलाम शस्त्र। कमांडर S.N. चोपड़ा प्रधानमंत्री से निवेदन करेंगे। अंतर सेना और पुलिस सम्मान गार्ड आपके निरीक्षण के लिए तैयार है महोदय।
भारतीय नौसेना का बैंड। सेना की टुकड़ी नौसेना वायुसेना के जवान, ये वो बहादुर हैं जिनकी वीरता ने हमारी सेना के इतिहास में सदा नए पन्ने जोड़े हैं। उस धातु के बने हैं ये जवान जिसमें वक्त का अनंत प्रवाह भी जंग नहीं लगा सकता। दिल्ली पुलिस के सिपाही, प्रधानमंत्री के साथ दिल्ली क्षेत्र के जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल ओएस भंडारी हैं। राष्ट्र आज 36वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इस उपलक्ष्य में आयोजित समारोह में अभी अभी प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने अंतर सेना सम्मान गार्ड का निरीक्षण किया और कुछ ही देर बाद वे लाल किले की प्राचीर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगी। इस कार्यक्रम का प्रसारण आप सीधा देख रहे हैं। दूरदर्शन के जीवन में आज एक क्रांतिकारी महान कदम उठा है। कार्यक्रम रंगीन प्रसारण किया जा रहा है, न केवल दिल्ली बल्कि अन्य कई केंद्रों से भी। इनके अतिरिक्त दूरदर्शन परिवार के सदस्यों में एक और वृद्धि हुई है। नागपुर केंद्र ने आज से प्रसारण आरंभ किया है। ये कार्यक्रम हमारे दर्शक मद्रास, बेंगलोर, कलकत्ता, बंबई, पुणे, लखनऊ, कानपुर, जालंधर और अमृतसर के अतिरिक्त श्रीनगर और उसके अलावा जयपुर, अहमदाबाद, रायपुर, मुजफ्फरपुर, हैदराबाद, गुलबर्ग से भी देख रहे हैं, संबलपुर सहित, और दिल्ली और मसूरी से तो इसका प्रसारण सीधे देखा जा रहा है। यह है फसील के ऊपर का दृश्य, प्राचीर। ध्वज मंच के बाईं ओर इस समय विराजमान है मंत्रिमंडल के सदस्य, अनेक संसद सदस्य। और ध्वज मंच के दाईं ओर का यह भाग है जहां राजधानी में अन्य देशों के राजनयिक प्रतिनिधि बैठे हुए हैं। इनके अलावा अधिकारीगण, गणमान्य अतिथि, न्यायाधीश आदि भी इसी ओर विराजमान हैं।
प्रधानमंत्री जी अब प्राचीर पर पधार आई है। इस प्राचीर को दरअसल घूंघट की दीवार भी कहा जाता रहा है, क्योंकि दीवाने आम से लाहौर दरवाजा से दीवाने आम साफ नजर आता था और चांदनी चौक में लोगों को अदब की वजह से पैदल चलने को मजबूर होना पड़ता था। तो औरंगजेब ने ये एक दीवार बनवा दी और कहते हैं कि शाहजहां ने उसने कहा, तुमने दुल्हन के चेहरे पर घूंघट डाल दिया है। सलामी मंच पर झंडा फहराने में प्रधानमंत्री जी की सहायता करने के लिए नौसेना के अधिकारी हैं लेफ्टिनेंट कमांडर स्वर्ण सिंह गोविंदी, जिन्हें यह सम्मान दूसरी बार प्राप्त हुआ है। इस समय समय है ठीक 7:30 बजे। तोपों की सलामी दागी जा रही है। तोपों की इस गगन भेदी गर्जना में भारतीय गणतंत्र और स्वाधीनता का जय जयकार निहित है। प्रधानमंत्री जी अब राष्ट्र के नाम अपना संदेश देंगी लाल किले की प्राचीर से आज के शुभ दिवस पर। सम्मान गार्ड स्थान को लौट रहा है। लाल किले के सामने ऐसा लगता है जैसे सारा भारत कुछ क्षणों के लिए सिमट आया हो। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम से बहनों और भाइयों, न सिर्फ दिल्ली के या वो जो मेरे सामने बैठे हैं, लेकिन लाखों लाखों भारतवासी जो इंसाफ के द्वारा इस समारोह को देख रहे हैं और इस खुशी के दिन हमारे संग शामिल हैं। और साथ ही मैं अपनी आवाज़ वहाँ भी पहुँचाना चाहती हूँ जो न रेडियो द्वारा न इनसेट लेकिन हृदय के द्वारा पहुँचती है, जो लाखों लाखों हिंदुस्तानी भाई और बहन हमारे देश के बाहर रहते हैं। आज का दिन हमारी 36वीं स्वतंत्रता दिवस का वर्षगांठ है और हम और आप यहाँ इस ऐतिहासिक लाल किले पर खड़े हैं, जो स्वतंत्रता की भावना का प्रतीक रहा 1858 से लेके और बाद में गांधी जी के नेतृत्व में जो आंदोलन हुए शांतिमय, नेताजी सुभाष बोस ने जो अपनी फौज बनाई और जहां भी भारतवासी थे उनके हृदय में एक ही विचार था, कैसे हम साथ होके और इस लाल किले पर आजाद भारत का झंडा फहराएं। 36 वर्ष पहले जवाहरलाल नेहरू ने पहले दफे वो फहराया यहाँ पे।
उनका संबंध उसके पहले से भी लाल किले से बंधा था, जब यहाँ पे हमारे कैदी बंद थे और उनके बचाव के लिए वो और हिंदुस्तान के बड़े लोग आगे बढ़े थे। आज का दिन है, एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि आंसू का दिन है उनके लिए, जो करोड़ों की संख्या में जिन्होंने अपनी जानें दी, चाहे आज़ादी की लड़ाई में, चाहे आज़ादी के बाद उस आज़ादी को बचाने के लिए, उन लाखों के लिए जो घायल हुए, जिनके परिवार बर्बाद हो गए। लेकिन भारत आंसुओं का देश नहीं है। आज का दिन है जब हम गौरव करते हैं कि ना हमने आंसुओं को से अपनी दृष्टि को धुंधला बनने दिया, ना अपने घाव से घबराए, बिना पट्टी बांधे, बिना रुके, हर कष्ट का, हर खतरे का सामना करते हुए ये देश आगे बढ़ा है। चाहे सीमा की लड़ाई हो, चाहे विदेशी हुकूमत से लड़ाई हो, और आज चाहे गरीबी और आर्थिक पिछड़ेपन, नाइंसाफी और जुल्म से लड़ाई है, भारत ने हमेशा अपने गम को पिया और हिम्मत से भारत के इतिहास, ये भारत की परंपरा पर गौरव करते हुए मजबूती से हमने अपने पैर आगे बढ़ाए हैं। आज कोई कष्ट से हम बचे नहीं हैं, कोई खतरों से हम बचे नहीं हैं। आप में से हर एक जो यहाँ बैठे हैं और जो हमारे करोड़ों किसान भाई हैं, करोड़ों मजदूर भाई हैं, बहुत से वो जो बेरोजगार हैं, जो हमारी महिलाएं हैं, या हमारे हरिजन पिछड़ी जाति के लोग, हमारे आदिवासी भाई और बहन, या जो भी हैं, जहां तक आज़ादी के फल पूरी तौर से नहीं पहुंच सके, जहां पे उद्योग नहीं पहुंच सके, जहां पे आधुनिकता नहीं पहुंच सकी, लेकिन इस लड़ाई में हम सब संग हैं। आज उनके उन सब के तरफ हमारा ध्यान है। अगर ये काम पूरे नहीं हो सके तो इस वजह से नहीं कि इच्छा नहीं थी या प्रयास नहीं था, लेकिन इस वजह से कि इतना बड़ा काम कोई जादू से या एक दिन में नहीं हो सकता है। इसलिए कैसे काम, कितनी भी इच्छा हो, कितना भी बड़ा प्रयास हो, इसमें समय लगता है और उसकी गति, उसकी रफ्तार कौन तय करता है? हमारी इच्छा नहीं, लेकिन लोगों का सहयोग। अगर लोग साथ खड़े रहेंगे, अगर लोग वो गुण दिखाएंगे जो उन्होंने आज़ादी की लड़ाई में दिखाए, या हमारे ऊपर हमला होता है तो एक होके खड़े हो जाते हैं हमारे बहादुर अफसरान और जवानों के पीछे, हमारी सेनाओं के पीछे, अगर वो भावना इस गरीबी की लड़ाई में भी, इस भारत को ऊपर उठाने की लड़ाई में भी वो दिखाएं, तो हम और तेज़ी से आगे बढ़ें। हमें दुख होता है कि ये भावना हमेशा नहीं दिखती है। देश के जो सबसे बड़ी कमजोरी थी, हमारे ऊपर जब विदेशी राज्य था तो उनकी क्या कोशिश थी कि किसी न किसी तरह से धर्म के नाम से या कोई और कारण हमारे बीच में मतभेद डालें, जिसमें जो ये सेना थी, शांतिमय सेना, गांधी जी की सेना, आज़ादी के स्वतंत्रता सैनिकों की सेना, ये दुर्बल हो जाए, उनके जाल में हम नहीं फंसे। बीच बीच में होता रहा कुछ ना कुछ गड़बड़, दंगे भी हुए,
लेकिन आम तौर से हम अपने चुने हुए रास्ते पर आगे बढ़े। जब आगे बढ़ते हैं किसी यात्रा पर तो बहुत से रास्ते दिखलाई पड़ते हैं, कुछ बड़े कुछ पगडंडी, और हर समय हमें चुनना होता है कि किस रास्ते पे अपने पैर आगे बढ़ाएंगे। हमारा जैसा देश जो इतनी गरीबी में था, इतना दबा हुआ था और डरा हुआ भी था एक समय, उसके लिए बहुत से रास्ते सामने नहीं हैं। वास्तव में तो एक ही रास्ता है, वो एकता का रास्ता है जो कौम को, समाज को, देश को मजबूत करे, जो खतरे से नहीं डरे, जो कष्ट से नहीं डरे। कष्ट आज़ादी के पहले भी थे और बहुत से आज हमारे सामने लोग बैठे हैं और देश में हैं जो आज़ादी के बाद पैदा हुए, जिनको कल्पना भी नहीं है कि किस प्रकार से अपमान होता था और गरीबी का सच्ची चित्र क्या है उसका वो सोच भी नहीं सकते हैं। आज गरीबी देश में है, लेकिन साथ साथ मध्यम वर्ग मजबूत हुआ है, संख्या में भी और उसकी ताकत भी बढ़ी है। आज कुछ बेरोजगारी है, लेकिन बहुत से लोगों को रोजगारी के, नौकरी के, आगे बढ़ने के अच्छे मौके मिले हैं और मिल रहे हैं, और जितना काम आगे बढ़ेगा, जितना विकास बढ़ेगा, उतने ही वो मौके आगे बढ़ेंगे। हमारे देश में जहां हमें हाथ भीख मांगने के लिए लंबा करना पड़ता था, आज हम अपने देश में वो अनाज पैदा कर सकते हैं। लेकिन काफी नहीं है, जनसंख्या भी बढ़ रही है, जमीन की भी ज्यादा जरूरत है, अनाज की भी, शिक्षा की भी, स्वास्थ्य के प्रबंध की, और बहुत सी चीजें जिनको पहले हम सोच भी नहीं सकते थे, आज वो सब चीजें आवश्यक वस्तु हो गई हैं हर एक व्यक्ति के लिए, हर एक परिवार के लिए। और हमारी कोशिश है कि ये सब जो भी हमारे पास थोड़ा भी हो उसका बंटवारा इस प्रकार से हो कि किसी को चाहे कष्ट हो, कमी हो, लेकिन बेइंसाफी कम हो, न्याय अधिक से अधिक लोगों को मिले। इस कोशिश में हम आगे बढ़ रहे हैं। आज हमारे दुश्मन क्या हैं? हो सकता है कि बाहरी दुश्मन भी हैं और होंगे। गरीबी तो पुराना दुश्मन हमारा और दूसरे हमारे जैसे देशों का दुश्मन है ही है, आर्थिक पिछड़ापन भी दुश्मन है, लेकिन किस चीज ने भारत को पहले कमजोर किया था जिससे हमने आजादी खोई, वही आज भी है जो भारत को कमजोर कर सकता है और कर रहा है। वो है जो धर्म के नाम से अनेकता आती है, वो है जो भाषा के नाम, प्रांतीयता के नाम, जातिवाद को लेके आपस में भाई भाई के बीच में नकली दीवारें खड़े करते हैं। मैं आपसे पूछती हूँ, मेरे भाई और मेरी बहनों और प्यारे बच्चों, कौन देश है जो बिना एकता के, बिना कड़ी मेहनत के आगे बढ़ सका है? हम चाहते हैं हमारी सेनाएं मजबूत हों। किस लिए? किसी पे हमला करने के लिए नहीं, हम अपनी सीमाओं को बचाने के लिए, अपने देश को सुरक्षित रखने के लिए। हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ उद्योग बढ़े, कृषि का उत्पादन बढ़े, जिसमें लोगों को नौकरी मिले, जिसमें वो सामान पैदा हो जिससे सबके जीवन स्तर में कुछ ऊंचाई आए, कुछ आराम और सुख आए। हम शांतिमय देश हैं और शांति की भावना केवल अपने देश में नहीं, दूर दूर हम विश्व में चाहते हैं। लेकिन ये कब हो सकता है? जब ये जो घुन के तरह अफवाहबाजी
फैलती है, अन्याय की आवाज उठती है। हमें मालूम है कि कभी कभी अन्याय होता है, हमको मालूम है कि कभी कभी अत्याचार होता है, हमको मालूम है कि कभी कभी भ्रष्टाचार भी है, लेकिन इनसे लड़ने का क्या तरीका है? क्या कमजोर सरकार इनसे लड़ सकती है? क्या वो सरकार जिस पे स्वयं हर समय हमला हो रहा है वो गरीबों को सुरक्षित रख सकती है, अल्पसंख्या के लोगों को बचा सकती है? क्या वो सरकार इस देश का सारी दुनिया में सिर ऊंचा कर सकती है? समय आया है, असल में तो कभी गया नहीं था, लेकिन आज पहले से ज्यादा उसकी जरूरत है, क्योंकि दुनिया में खतरे बढ़ गए हैं। जिन खतरों का, जिन कष्टों का सामना हम और आप और विशेष करके जो ज्यादा गरीब पिछड़े हुए तबके हमारे देश के हैं, जिनका सामना हम कर रहे हैं, कम और बेश वही स्थिति सारी दुनिया में है। धनी से धनी धनी और मजबूत से मजबूत देशों में आज बेरोजगारी है, बढ़ती हुई कीमतें हैं, आर्थिक स्थिति संतोषजनक नहीं है। बहुत से देश जाने का मुझे मौका मिला है, और जहां नहीं भी मैं पहुंचती हूं या हमारे दूसरे मंत्रीगण नहीं पहुंचते हैं, उनकी भी खबर तो हर समय आती है। हर एक के मन में चिंता है, लेकिन इन सब चिंताओं के ऊपर एक बहुत बड़ी चिंता है कि ये हमारी मनुष्य जाति जिसने ज्ञान अपना बढ़ाया, अपनी क्षमता बढ़ाई, ये किधर जा रही है? क्या ये खुदकुशी करने जा रही है, या इस सुंदर हमारी इस पृथ्वी को समाप्त करने जा रही है? ये प्रश्न अब अधिक से अधिक लोग सोच रहे हैं, और दुनिया की राजधानियों में और दूसरे नगरियों में इसके आंदोलन, इस पर लिखा, इस पे बोला जा रहा है। तीन बड़े खतरे हैं। एक तो जो औजार, हथियार, बुरे से बुरे प्रकार के, जो मनुष्य जाति को, उसकी इमारतों को, उसके शहरों को, उसके खेतों को बर्बाद करते हैं, वो हथियार बहुत बड़ी तरह से जमा किए जा रहे हैं देशों में। दूसरे, जो अमीर और गरीब देशों के बीच में अंतर बढ़ता जा रहा है। हमारे देश में और गरीब देशों में भी ये अंतर है, हम किसी से ये छुपाते नहीं हैं, लेकिन हम कम से कम उस कोशिश में लगे हैं कि समाजवाद के तरफ हमारा देश जाए, और हमारे समाजवाद के मुख्य माने ही ये हैं कि ये अंतर कम हो, बराबरी ज्यादा समाज में आए, और आज़ादी के फल घर घर और हरेक व्यक्ति तक पहुँचें। तीसरा खतरा वो है कि लालच में, चाहे कोयला निकालना हो, चाहे तेल निकालना हो, चाहे दूसरे देशों के तेल पर हमारी आंख हो, या दूसरे कोई चीज़, हम ये नहीं सोचते हैं कि आज हम जो कर रहे हैं उसका क्या प्रभाव, क्या असर पड़ेगा आते हुए पुश्तों पे, आते हुए युगों पर। ये तीन मुख्य बातें हैं। हमारा गौरव है कि हम भारतवासी हैं। भारत एक देश है, कोई दूसरे देशों से कोई ज्यादा अच्छा नहीं है, दूसरे देशों से ज्यादा सुंदर नहीं है। क्या इसकी महानता रही है, क्या इसके गुण रहे हैं जिसने इसको सदियों नहीं हजारों साल से बचाया रखा है, और हर कष्ट का सामना करने को हमारी गरीब जनता को क्षमता और ताकत दी है? वो है हमारी पुरानी परंपरा के जो ऊंचे आदर्श थे। भारत ने इंसान होते हुए व्यक्तिगत रूप से चाहे हजारों गलतियां की हों, लेकिन हमेशा हमारी आंख एक ऊंचे ध्येय पर रही है, और वो
केवल भारत की एकता नहीं, लेकिन तमाम जितने प्रश्न हैं उनको हमने एक बहुत सारी मनुष्य जाति को देखते हुए उसमें हम उस उसके ढांचे में हमने उसको देखते हैं। भारत की परंपरा रही है शांति की, एक दूसरे की विचारधारा को बर्दाश्त करने की, सब लोगों को संग लेके चलने की, और केवल मनुष्य को नहीं, जानवरों को, पौधों को, ये रही है हमारी परंपरा। चाहे आप गौतम बुद्ध की शिक्षा को देखें, चाहे आप सिखों के बड़े गुरुओं की शिक्षा को देखें, चाहे आप सम्राट अशोक ने जिस प्रकार से अपना संदेश सारे देश में फैलाया, या अकबर बादशाह ने जिस तरह के हर धर्म के लोगों को अपने दरबार में लिया और उनके विचारों से लाभ उठाया, इस देश को मजबूती दी, चाहे फिर आज श्री अरबिंदो की वर्षगांठ भी है। कहीं दुनिया में होता है कि एक बड़ा क्रांतिकारी जो एक समय हिंसा में मानता था, वो विचार रखते हुए, आजादी का प्रेम रखते हुए आध्यात्मिकता के तरफ भी मुड़े और देश का मनोबल कैसे ऊपर करे, देश की अंदरूनी शक्ति है उसको कैसे बढ़ाए, उसके तरफ भी ध्यान दे। और फिर गांधी जी, जिन्होंने वो मूल्य जो सब धर्मों में पाए जाते हैं, भाईचारे के, शांति और मैत्री भावना के, उनको आज और अहिंसा के, उनको आजादी के लड़ाई के औजार बनाया। हम आजादी के लिए लड़ रहे थे, हमारे पास बंदूक और तोप नहीं थी, हमारे औजार थे हमारी एकता, हमारा देश प्रेम और हमारा अपने ध्येय के तरफ लगन और निष्ठा। वो औजार क्या हमने खो दिए हैं? क्या आज वो देश प्रेम नहीं है? क्या आज हम तैयार नहीं है वो कुर्बानी देने को? आजकल बहुत से बच्चे मेरे सामने बैठे हैं, बहुत से बच्चे, बहुत से नौजवान मेरी आवाज सुन रहे होंगे, उनसे मेरी पुकार है। लेकिन आप सब जो बड़ी उम्र के भी हैं, कुछ को पुराने दिन याद हैं और कुछ ने शायद नहीं देखे, लेकिन हमको एक सूत में बंधना है, देश प्रेम के लिए, देश की शक्ति के लिए। जो प्रांतीयता बढ़ रही है, जो राजनीतिक लाभ के लिए लोग धर्म का नाम लेते हैं या समाज का नाम लेते हैं या भाषा का नाम लेते हैं या जाति का नाम लेते हैं, वो देश की भलाई नहीं चाहते हैं। कुछ लोग हैं वो समझते हैं कि केवल तोड़फाड़ से ही कोई आगे बढ़ सकता है, क्योंकि उससे शायद नाम समाचार पत्र में आ जाता है, कुछ धूमधाम हो जाती है। लेकिन हमको धूमधाम चाहिए या हमको अपने देश को मजबूत बनाना है? हमको अपना नाम अखबार में लाना है या हमको अपने देश को चमकाना है? ये आज आप सबको चुनना है। और मुझे विश्वास है कि जैसे बच्चों ने और बड़ों ने आज़ादी की लड़ाई में और जब भी हमारे ऊपर हमला हुआ है उसका मजबूती से सामना किया है, आज वही शक्ति उनके भीतर है। आज जो भारत के प्राचीन मूल्य हैं उनको हमको मजबूत बनाना है। हम भारतीय नागरिक हैं और हम में से किसी को कभी न वो काम करना है, कभी न वो शब्द बोलने हैं, न कभी वो विचार भी करना नहीं है जिससे भारत माता का सिर झुक सकता है। हमारे ऊपर एक जबरदस्त जिम्मेदारी है, अपने लिए नहीं लेकिन आते हुए लोगों के लिए। भारत कोई 5 साल, 10 साल, 100 साल जीने का देश नहीं है, हजारों साल जीवित रहा है
और हजारों साल और इसको जीवित रहना है। इसके लिए आज हमको अगर तत्काल में त्याग करना है भविष्य के लिए, उस त्याग के लिए, उस सेवा के लिए मैं आपको पुकार देती हूँ। और मुझे पूरा विश्वास है कि इसमें हम और आप, कुछ भी हमारी विचारधारा हो, राजनीतिक मतभेद हो या दूसरे मतभेद हो, एक होके हम भारत की के सैनिक बने। हम वर्दी नहीं पहनते हैं, जो वर्दी पहनते हैं उनका हम आदर करते हैं और उन पर हमारा गौरव है, लेकिन हम उनसे कम सिपाही नहीं हैं इस भारत को आगे बढ़ाने की लड़ाई में। तो फिर से मेरी यही प्रार्थना है कि हम एक हों, हम मजबूत हों, हम जिंदा दिल से और हंसते हुए खुशी से कष्ट को सहते हुए हम आगे बढ़ें, इस सुंदर देश को और सुंदर बनाएं, इसको साफ करें। जो भी इसमें गंदगी है, चाहे सड़क की गंदगी हो, घर की गंदगी हो, दिल के अंदर गंदगी हो, हर एक को जिम्मेदारी स्वयं लेनी है। हमारी आदत हो गई है कि दूसरे को दोष दें, दूसरा गलत काम कर रहा है। हर एक अपने दिल से पूछे कि क्या हम ठीक काम कर रहे हैं कि नहीं, क्या हम उस गलत काम को रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाने के लिए तैयार हैं कि नहीं। छोटा सा छोटा आदमी हो, बड़ा सा बड़ा आदमी हो, ये हमें सोचना है। और ये सोचेंगे और हर एक अपने में परिवर्तन ला सकेगा तो फिर क्या समाज में परिवर्तन नहीं आएगा, क्या देश में परिवर्तन नहीं आएगा? ये है एक प्रश्न जो आपको अपने हृदय से पूछना है। तो फिर से आप सबको ये दिन मुबारक हो और उसकी खुशी में आप तैयार रहें हर कष्ट हर भय का सामना करने को और अपनी पूरी ताकत लगाने को, इस भारत की एकता को मजबूत करने को, इस भारत को दुनिया में चमकाने के लिए। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ और सबको अपनी शुभकामनाएं देती हूँ। अब मैं चाहती हूँ कि मैं 3 दफे जय हिंद बोलूँगी, अभी नहीं, जब बच्चे खड़े हो जाएंगे तो मैं बोलूँगी और मेरे बाद बच्चे, बूढ़े, नौजवान सब लोग मिल के आप साथ बोलिएगा। यह है भारत के आज़ादी का नारा, भारत का झंडा ऊपर रहे उसका नारा। जय हिंद।